Going to start exercise 8.3. I am reading question first. Which is greater? Means इसमें से कौन सा बड़ा है, दोनों में से जो कौन सा बड़ा है, ठीक है, 0.3 और 0.4 में से ये बताना है. ओके, अब फर्स्ट कौन क्या, 0.3 और 0.4. अब ये देखिए इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर होगा, कैसे पता चलेगा. अब ये देखिए कि 0.3 और 0.4 नंबर लाइन में कहाँ आता है, ठीक है. आप लोग उसको डायरेक्टली पता कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नंबर लाइन्स को करके बताऊंगी. अभी देखिए 0.3 और 0.4 ये तो है किसके बिटवीन, 0 एंड 1 के बिटवीन, ठीक है, 0 और 1 के बिटवीन है, ठीक है. बस ये पता करना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ग्रेटर कौन सा है. तो यहाँ पे तो जो मैंने पार्ट बनाना बताया था कि यहाँ पे कितने पार्ट होते हैं, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये वाला 10. तो यहाँ पे 1 मान लीजिए, यहाँ आगे 2 ले लेते हैं, ठीक है. सिर्फ यहाँ पे 10 पार्ट होते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट पे आता है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1, ठीक है. लेकिन ये दोनों 0 और 1 के बिटवीन है, मीन्स ये 0.3, ठीक है, ये 0.3 और 0.4, ठीक है. बस ये देखना है कि ग्रेटर कौन सा है. मैंने सिर्फ ये बताया है सो करके समझाने के लिए कि ये तो आ रहे हैं 0 और 1 के बिटवीन, और कहाँ है 0.3 और 0.4, ठीक है. अब इनमें से ग्रेटर कौन सा है, 1 के पास में कौन सा है, 1 के नियरेस्ट कौन सा है 0.4, और उसके बाद में आ रहा है 0.3, तो ग्रेटर कौन सा हुआ 0.4. अंडरस्टूड, इसलिए मैंने इसको बना के बताया है कि आप लोगों को और अच्छे से समझ आ जाए कि ये देखिए 0, 1 ये पॉजिटिव मार्क्स है, ये 0 है, इस साइड नेगेटिव मार्क्स होते हैं. लेकिन 0 और 1 में से 0 बिग होता है, 0 और 1 में से 0 मीन्स 1 ग्रेटर होता है, 0 और 1 में से 1 ग्रेटर होता है. तो 1 के पास मीन्स 1 के यहाँ पे जो भी पहले डिजिट आएगी वो बिग होगी, और उसके बाद में जो डिजिट आती है वो स्मॉल ही होती. तो पहले कौन सा आ रहा है, 0.4 आ रहा है, उसके बाद में कौन सा आ रहा है, 0.3 आ रहा है. तो इसका आंसर कौन सा रहेगा, 0.3, ठीक है. 0.4 मीन्स ग्रेटर कौन से हो गया, 0.4 जो ग्रेटर होगा उससे ही ओपन वाला साइन लगाएंगे, ठीक है. तो ये ग्रेटर है, ओके, लेस देन 0.4. नाउ बी पॉइंट इज, अभी देखिए बी पॉइंट 0.07 और 0.02, ठीक है. तो अब ये देखिए 0.02 और 0.07, तो ये 0 और 0.1 के बिटवीन है, ठीक है, क्योंकि 0.7 नहीं है. अगर 0.7 होता और 0.2 तो 0.1 के बिटवीन होते. तो बस इतना समझिए कि 0.7 है, यह 0.2 है, ठीक है. तरीका क्या है, बिना नंबर लाइन बनाकर ये 0.7 है, 0.2 है. अब जैसे कि 3 और 4 में से 4 पहले आता है तो 4 बिग हो गया, 0.7 है, 0.2 है, तो बिग कौन सा होगा, 7 वाला ही तो होगा ना कि 2 वाला होगा. तो 0.07 ग्रेटर देन 0.02, जो ग्रेटर होगा उस साइड अपन साइन लगाएंगे. गॉट इट. नाउ सी पॉइंट इज 3 और 0.8 में से कौन सा ग्रेटर है, कैसे पता करेंगे. अब इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है, इसमें तो पॉइंट है, तो अगर जिसमें पॉइंट नहीं होता पॉइंट 0 लगा लेते हैं, ओके, इस तरीके से, ठीक है. अब जो कंप्लीट है वही बिग होगा, ये तो 0.8 है, मीन्स ये तो अभी कंप्लीट 1 भी नहीं है, कंप्लीट 1 भी नहीं है अभी, तो बिग कौन सा होगा, ये कंप्लीट 3 वाला ही तो होगा, ठीक है. 0.3 इसलिए बताया ताकि आप लोग समझ आ जाए कि 0.0 है तो ये कंप्लीट 3 है, और 0.8 है ये तो 1 भी कंप्लीट नहीं है, 1 के अंदर ही आ रहा है. तो बिग कौन सा होगा, 3 ग्रेटर देन 0.8. अभी देखिए डी पॉइंट 0.5 और 0.05, ठीक है. अब ये देखिए ध्यान से देखना कि कैसे पता चलेगा कि बिग कौन सा है. ये कंप्लीट 0.5 है और 0.05 आ गया, ठीक है. तो 0.5 है और ये 0.5 आ गया, तो मीन्स ये 0.1 के अंदर है ये, और 0.5
तो इससे और बिग हो गया, ये तो 0.5 पहले आया ना, और 0.05 आ रहा है, तो पहले 0 आ रही फिर 5 आ रहा है, तो बिग कौन सा होगा, 0.5 वाला होगा, ग्रेटर देन 0.05। नाउ ई पॉइंट इज, अब ये देखिए 1.23 और 1.2 इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे कि ये इसमें से बिग कौन सा, यही तरीका मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोग बिना नंबर लाइन बनाए ये समझ सके। अब काफ़ी समझ आ गया होगा अगर आप लोग स्टार्टिंग से ये चैप्टर की वीडियो देख रहे हैं तो, ठीक है, नहीं देखी हो तो आप लोग देखिए तभी समझ आएगा। ओके 1.23 1.2 कैसे पता करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा जो समझा रही हैं, ये 1.2 है अपना, ये 1.2 है, मींस ये तो सेम है, इससे पता नहीं चल रहा है कि कौन सा बिग है, नहीं पता चल रहा। अब इसमें 3 और आ गया लेकिन इसके बाद कुछ भी नहीं है, ये तो अगर आगे और 3 और आ गया तो मींस ये और बढ़ गया, गॉट इट, ये और बढ़ गया ना, ये 1.2 कंप्लीट है अभी, अभी अपन को पता नहीं चल रहा। अब इसमें 3 और आ गया, इसमें कुछ भी नहीं है, तो बिग कौन सा होगा, मींस ये डिजिट और ज़्यादा हो गई तो यही ग्रेटर होगा ना, गॉट इट। अभी देखिए अपना एफ पॉइंट क्या है, 0.099 0.19 0.099 0.19। अब इसमें से कौन सा ग्रेटर होगा, कैसे पता करेंगे, तो ये देखिए 0.0 स्टार्टिंग से देखिए, ये 0.0 है अपना और ये 0.1 है, क्या इससे पता चल रहा है क्या, 0.0 इसका कोई मीन्स ही नहीं है, मीन 0.0 मीन्स 1 के ही बहुत ही अंदर है, बहुत ही कम है, और ये 0.1 कंप्लीट है तो सीधी सी बात है कि ये ग्रेटर होगा, ठीक है। अब इससे आगे अपन को देखते ही नहीं है क्योंकि ये तो बहुत ही स्मॉल है, 0.0 आ रहा है, ये 0.1 आ रहा है, तो मीन 0.1 ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट नहीं है, तो ये बिग होगा, गॉट इट। अब देखिए जी पॉइंट 1.5 और 1.50 अब ध्यान से देखना, दोनों को ये बताना है कि कौन सा साइन लगे, कौन सा ग्रेटर है, ये 1.5 ये है और 1.5 ये है, ठीक है, क्या ये दोनों इक्वल हैं, क्या ये दोनों इक्वल हैं, 1.5 ये है 1.5 ये है, तो अभी तो इक्वल है पता नहीं चल रहा, लेकिन इसके आगे जीरो लग गई, लेकिन जीरो का मीन्स क्या है, 500 तो अपन इसमें भी लगा सकते हैं, तो ये दोनों तो इक्वल है ना, दोनों इक्वल हैं, तो क्या लगा देंगे इसमें इक्वल का साइन लगा देंगे, गॉट इट। नाउ एच पॉइंट 1.431 1.490, ठीक है, पता करते हैं कौन सा बिग है। ओके स्टार्ट करते हैं 1.4 और यहाँ पे 1.4 पता चला नहीं पता चला, बिकॉज यहाँ पे 1.4 1.4 सेम है। अब अपन देखते हैं उसके आगे वाले डिजिट, इसके आगे 3 है, इसके आगे 9 है, अब बताइए 9 पहले आया कि 3 पहले आएगा, पहले 9 ही तो पहले आएगा, तो ये ग्रेटर हो जाएगा, गॉट इट। अब बहुत अच्छी तरीके समझ आ गया होगा कि आप लोग पता कैसे करोगे कि कौन सी डिजिट बिग है डेसिमल में, ठीक है, काफ़ी बच्चों को इसमें बहुत परेशानी होती है ना कि मतलब किस तरीके से समझ आएगा, अब इसमें बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैंने क्या तरीका बताया है, ठीक है। यही तरीका है कि पहले इस तरीके से देखिए, उसके बाद वाली डिजिट देखिए, जो बिग है तो वही डिजिट बिग है। अभी देखिए आई पॉइंट 3.3 और यहाँ पे 3.3 है, ठीक है, अब इसमें कैसे पता करेंगे, ठीक है, कैसे पता करेंगे, ये देखिए 3.3 है, यहाँ पे भी 3.3 है, गॉट इट, सेम है 3.3 और ये भी 3.3 है, मींस ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, ठीक है, यहाँ पे 0 है तो 0 तो अपन यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है, 0 की वैल्यू मैंने इंट्रोडक्शन बताई थी क्या होती है, ठीक है, तो ये दोनों सेम है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, इक्वल। नाउ लास्ट पॉइंट इज जे पॉइंट 5.603। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये देखिए ये भी 6. ये भी 5.6 है, ये भी 5.6 है, अभी पता नहीं चल रहा बिकॉज ये अभी सेम है। अब अपन इसके आगे वाले डिजिट देखेंगे, इसके 6 के आगे 4 आ रहा है और इसमें 6 के बाद आ रहा है 0, इसमें 6 के बाद 4 है, इसमें 6 के बाद 0 है, अब 4 और 0 में से बिग कौन सी होगी, 4 ही तो होगी, तो ये 4 है बिग है, तो यही वाले डिजिट अपनी बिग होगी। ओके जे पॉइंट कंप्लीटेड एंड फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज मेक 5 मोर एग्जांपल एंड फाइंड द ग्रेटर नंबर फ्रॉम देम।
मीन्स इसमें एनी फाइव एग्जाम्पल बताना, इसमें कोई गिवन नहीं है, आप लोगों को खुद ही मन से राइट करके एग्जाम्पल बताना है। कोई भी डिजिट लीजिए और उसमें बता दीजिए कि कौन से डिजिट किससे ग्रेटर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग कोई भी डिजिट ले सकते हैं क्योंकि उन्होंने लिखकर नहीं दिए हैं, आप लोग मन से कोई भी डिजिट राइट कर सकते हैं। ए पॉइंट क्या है, 1.80 और 1.82। ठीक है, तो 80 है, ठीक है, मैंने ये दो डिजिट ले ली, यहाँ पे 1.8 है, यहाँ 1.8 सेम है। फिर आती है 0 और 2 में से 2 वाली ग्रेटर होगी ये डिजिट, तो 1.82 इज ग्रेटर देन 1.80। गॉट इट। फाइव एग्जाम्पल लेना, तो एनी फाइव आप लोग खुद मन से राइट कर सकते हैं, जरूर नहीं यही राइट करो। ठीक है, तो अभी तो यही राइट कीजिए। ठीक है, मन से और एग्जाम्पल राइट करके आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं। 1.09 तो इसमें से कौन सी ग्रेटर हुई, 1.0 है, 1.0 थर्ड डिजिट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे थर्ड डिजिट 9 है, तो 9 वाली ग्रेटर होगी, तो 1.09। ठीक है, 0 हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। ठीक है, अभी अपन ने एक क्वेश्चन किया, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इज ग्रेटर देन ये वाली डिजिट। ठीक है, 10.01 और 100+0.10, तो 10 है या 100 है, तो 10 और 100 में से 100 ही वीक होगा, 100.1 इज ग्रेटर देन 10.01। सेम कंडीशन ये हो जाएगी, इन दोनों में से कौन सी ग्रेटर है, ये 5.1 है, ये 5.0 है, तो 5.1 वाली ही ग्रेटर होगी, 5.100 इज ग्रेटर देन 5.0100। नाउ लास्ट पॉइंट इज 0.4.213 और 0.421, इनमें से कौन सी ग्रेटर है, 0.4 है और 0.421 और आ रहा है, तो यही ग्रेटर होगी, 0.04 to 1.3 इज ग्रेटर देन 0.4.213। दिस इज आंसर, क्वेश्चन 2 कंप्लीटेड, एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 8.3।